राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। पुलिस ने आतंकवाद रोधी अभियान तेज कर दिए हैं और गश्त बढ़ा दी है। संगठित अपराध पर लगाम लगाने से लेकर किसी तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर है। उत्तरी बाहरी जिला में भी 35 किलोमीटर के बॉर्डर इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार की यह खास रिपोर्ट। सदैव आम जनता के लिए तत्पर दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस के मौके पर अलर्ट पर हैं। पुलिस ने पेट्रोलिंग तेज कर दी है, अतिरिक्त पिकेट तैनात किए गए हैं, आतंकवाद विरोधी उपाय तेज हुए हैं। उत्तरी बाहरी जिला पुलिस ने जीटी करनाल रोड के 35 किलोमीटर के दायरे को सुरक्षा घेरे में लिया है। वहां 150 से अधिक पुलिस बल नियुक्त कर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। मेन जीटी करनाल रोड है, उससे आप देखते हैं कि उससे रास्ता जाने वाला जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब सभी जगह जाता है और सारे लोग इधर से आना जाना करते हैं। इसके मद्देनज़र रखते हुए हमारे यहाँ टोटल 35 किलोमीटर का बॉर्डर पड़ता है, जिसमें 21 बॉर्डर रोड है जिनसे ट्रैफिक आने और जाने दोनों का ही होता है। तो हमने सारे 21 बॉर्डर पे हमने परमानेंट पिकेट लगाई हुई है। सभी के ऊपर हमने ANPR कैमरा और नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग का कैमरा भी है और कुछ 6-7 पे हमने मचान भी लगाई हुई है, इसी 26 जनवरी का ही मद्देनज़र रखते हुए। उत्तरी बाहरी जिले में सुरक्षा जांच और आतंकवादी विरोधी उपाय मजबूत किए गए हैं। खासकर संगठित अपराध पर ऑपरेशन प्रहार के जरिए कड़ा प्रहार किया है। आंकड़े गवाही देते हैं कि ऑपरेशन प्रहार से पुलिस को कामयाबी मिली है। जुलाई अगस्त के अंदर लगभग 6000 PCR कॉल होती थी पूरे महीने के अंदर, लेकिन अभी सितंबर 9 को मैंने ज्वाइन किया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चारों महीने का आप निकाल के देखें तो उसके अंदर हमारी PCR कॉल 4500 के अराउंड, 4500, 4500, 4600 उस तरीके से PCR कॉल से मैंने कल ही इसका एनालिसिस करके देखा था। ऑपरेशन प्रहार से पुलिस को शराब की खेप पकड़ने, ड्रग्स से जुड़े तस्करों को पकड़ने, ड्रग्स और नशीले पदार्थों को बरामद करने में सफलता मिली है। मोर देन 1 लाख क्वार्टर इलिसिट लिकर पकड़ी है, अराउंड 40 के लगभग हमने गाड़ियां भी, 40-50 गाड़ियां भी इसके अंदर पकड़ी हैं। NDPS में भी जो लोग ड्रग्स बेचते थे उनके अंदर, जैसे आपको बताएं कि दिसंबर के महीने में हमने एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया था, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उसके बेसिस पर लगभग 100 पुलिस पर्सनल इसके अंदर हमारे पार्टिसिपेट कर रहे थे और उसके अंदर हमने कई घरों को सर्च करके 4 केसेस दिए थे जो कमर्शियल क्वांटिटी की ड्रग्स हमने रिकवर की थी। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि उत्तरी बाहरी जिले में बीते 4 महीनों में संगठित अपराध में कमी दर्ज हुई है। इसके अलावा पेट्रोलिंग से मॉल बाजारों का सुरक्षा घेरा भी मजबूत हुआ है। अगर हम बात आउटर नॉर्थ दिल्ली की करें तो वहाँ भी सुरक्षा की तैयारियों के साथ ऑर्गेनाइज क्राइम को कम करने में दिल्ली पुलिस को काफ़ी सफलता मिली है और आंकड़े इस बार की गवाही देते हैं कि वहाँ के जो PCR कॉल में, जो कॉलिंग की संख्या में कमी देखी गई है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ धीरज कुमार, DD News दिल्ली।